नमस्कार, TV9 समाचार साथे हूं छू नरेंद्र सिंह। दिल्ली में सोनिया गांधी सामे ईडी कार्यवाही विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन करवामां आव्युं। सोनिया गांधी सामे कार्यवाही विरोध में कांग्रेसे धरना कर्या। चुस्त पोलिस बंदोबस्त वच्चे मोटी संख्या में कांग्रेस कार्यकरो आ धरना में उपस्थित रह्या। तो आपने जणावी दईए कि थोड़ी ज वार में सोनिया गांधी तेमज तेमनी साथे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पण ईडी ऑफिस पहोंचशे। हाल में सोनिया गांधी ईडी ऑफिस जवा रवाना थई चूक्या छे। सोनिया गांधी त्रण अधिकारी द्वारा पूछपरछ कराय तेवी जानकारी सामे आवी छे अने त्रण तबक्का में सोनिया गांधी पूछपरछ थशे। सोनिया गांधी साथे प्रियंका वाड्रा पण हाजर रहेशे। थोड़ी ज वार में ईडी ऑफिस पर सोनिया गांधी पहोंचशे। हाल में तेओ ईडी ऑफिस जवा रवाना थई चूक्या छे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी ने आज ईडी द्वारा पूछपरछ थवानी छे। थोड़ी ज वार में सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पहोंचशे अने त्यारबाद तेमनी पूछपरछ शुरू थशे। तो सोनिया गांधी ईडी ऑफिस जवा रवाना थया छे अने तेमनी साथे प्रियंका वाड्रा पण ईडी समक्ष हाजर थशे। जे दृश्यो छे, सोनिया गांधी अत्यारे ईडी ऑफिस जवा रवाना थया छे। थोड़ी ज वारमां तेओ पहोंचशे ईडी ऑफिस। सोनिया गांधीनी साथे राहुल गांधी अने प्रियंका वाड्रा पण ईडी ऑफिस हाजर रहे तेम मनाई रह्युं छे। एक तरफ सोनिया गांधी ईडी ऑफिस जवा रवाना थया छे, बीजी तरफ दिल्हीमां कांग्रेसनुं प्रदर्शन यथावत छे। ईडीनी कार्यवाहीना विरोधमां कांग्रेस द्वारा आजे धरना योजवामां आवी रह्या छे। तो थोड़ी ज वारमां सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पहोंचशे। तेमनो काफलो ईडी ऑफिस जवा रवाना थई चूक्यो छे। तो सोनिया गांधी सामे ईडीनी कार्यवाहीने लईने कांग्रेस मैदानमां उतरी छे। कांग्रेसना नेताओए केन्द्र सरकार पर निशान साध्युं। राजस्थानना सीएम अशोक गहलोते केन्द्र सरकार पर ईडीना दुरुपयोगनो आरोप लगाव्यो छे। तेमणे कह्युं કે દેશમાં સરકારે બે કાયદા બનાવી રાખ્યા છે, વિપક્ષ માટે અલગ કાયદા છે અને શાસકો માટે અલગ કાયદા છે। તેમણે કહ્યું કે ઈડીએ એવો કેસ હાથમાં લીધો છે જેનો હક તેને નથી। ઈડીએ ખુલાસો કરવો જોઈએ કે ઈડી અંતર્ગત આવતા કયા આરોપસર રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ આક્ષેપ કર્યો કે એજન્સીઓ સાથે કેન્દ્ર સરકારનું ગઠબંધન છે। जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं ईडी को। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का और नियत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। तो कांग्रेस नेताओं ने ईडी सामे आरोप लगाया है और ईडी खोटी रीते सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछपरछ कर रहे होवानो पण आक्षेप मुक्यो छे। तो आपने जणावी दईए कि थोड़ी ज वार में ईडी द्वारा सोनिया गांधी की पूछपरछ शुरू थवानी छे। सोनिया गांधी अत्यारे निकली चूक्या छे, परंतु ते पहला तेओ कांग्रेस कार्यालय जशे अने त्यार बाद तेओ ईडी कचेरीए पहोंचशे। सोनिया गांधी हाल रवाना थई चूक्या छे अने तेओ पहला कांग्रेस कार्यालय पर जशे, त्यां कांग्रेसना नेताओने मळशे अने त्यार बाद तेओ ईडी ऑफिस पहोंचशे। ईडी द्वारा आज तेमनी पूछपरछ थवानी छे। ईडी ऑफिस जता पहला कांग्रेसना मुख्यालय पर सोनिया गांधी जाय तेवी शक्यता छे। एक तरफ कांग्रेसना कार्यकरो द्वारा सतत धरना प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं छे अने बीजी तरफ ईडी द्वारा आज सोनिया गांधीनी पूछपरछ थवानी छे। ईडीनी कार्यवाहीना विरोधमां कांग्रेस मैदानमां छे। सोनिया गांधी ईडी कचेरीए पहोंचे ते पहेला कांग्रेसना मुख्यालय पर जई शके छे अने त्यारबाद तेओ ईडी कार्यालय जशे।
आप जो रहा छो दृश्य के सोनिया गांधी अत्यारे जई रहा छे तेमनी साथे कांग्रेसना कार्यकरो पण मोटी संख्या में जोवा मळी रहा छे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा आज सोनिया गांधी की पूछपरछ थवानी छे। अगाउ ईडीए राहुल गांधी की पण विस्तृत पूछपरछ करी छे अने आज सोनिया गांधी की ईडी द्वारा पूछपरछ थशे। सोनिया गांधी हाल ईडी कचेरी पहुंचशे अने ते पहला तेओ कांग्रेसना मुख्यालय जाय तेवी पण शक्यता छे। तो चुस्त बंदोबस्त